पसरूर कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए जहां पंजाब हुकूमत ने दीगर कारोबारी इंडस्ट्री पर पाबंदी हटा ली, वहां पर मैरिज हॉल इंडस्ट्री की बंदिश की वजह से इस इंडस्ट्री से वाबस्ता हज़ारों अफराद बेरोजगार होकर घरों में बैठ गए। मज़ीद जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ GSTV अलमास बेग से। जी अलमास बेग, तफसीला से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए पंजाब हुकूमत ने लॉकडाउन का जो सिलसिला शुरू किया हुआ है, इस सिलसिले में पंजाब हुकूमत ने जहां पर दीगर कारोबारी इंडस्ट्री पर पाबंदी आयद की, वहीं पर मैरिज हॉल की इंडस्ट्री भी बंद कर दी। मैरिज हॉल की इंडस्ट्री की बंदिश की वजह इससे वाबस्ता हज़ारों अफराद बेरोजगार होकर अपने घरों में बैठ गए। कारोबार ना होने की वजह से उनके घरों के चूल्हे ठंडे हो गए, बल्कि नौबत फाकों तक जा पहुँची। दुकानदारों ने भी उनको उधार सौदा सलब देना बंद कर दिया, जिसकी वजह से बेरोजगार अफराद ने अपने बच्चों का पेट पालने के लिए मुफ्तली रोडों पर पकौड़ों, फ्रूट और सब्जी रेड़ियां लगा ली। मैं आपको यहां पर यह भी बताता चलूं कि इससे पहले हुकूमत ने ट्रांसपोर्ट समेत दीगर इंडस्ट्री को कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए तमाम SOPs पर अमल दरामद करने का वादा देकर इनको खोला है। हुकूमत को चाहिए कि वो मैरिज हॉल इंडस्ट्री के को भी SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद करने का वादा देकर इस इंडस्ट्री को दोबारा से खोलने की इजाज़त दे, ताकि इस इंडस्ट्री से वाबस्ता बेरोजगार अफराद को दोबारा रोजगार का मौका मयसर आ सके। जी